हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेंडुलम है और वो 30 डिग्री स्विंग करता है, तो एक आर्क क्रिएट करता है। उस आर्क का लेंथ दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर। हमें उस पेंडुलम के लेंथ को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैथमेटिकल वे में देखें तो ये एक सेक्टर क्रिएट हो रहा है और सेक्टर में हमें आर्क पता है, रेडियस को फाइंड करना है। तो आर्क लेंथ हो गया थीटा बाई 360 टू पाई आर। ये होता है आर्क लेंथ का फॉर्मूला। आर्क लेंथ हमें पता है, उसके प्लेस पे हम लिख देंगे 8.8। थीटा भी पता है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू टू इंटू 22 बाई 7 इंटू आर। ठीक है, तो या तो यहीं पे कट कर लेते। 30 से कट गया 12 बार में, 2 से कट गया ये 6 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में और 2 से कट गया 11 बार में। तो 8.8 ये 3 ऊपर आ गया इंटू 3 और ये 7 भी आ जाएगा ऊपर इंटू 7 और ये 11 आ गया नीचे इक्वल टू आर। 11 से कट जाएगा ये 0.8 बार में। तो ये हो गया रेडियस इक्वल टू 7 इंटू 3 21 इंटू 0.8। तो रेडियस 21 इंटू 8 8 1 जाए 8 8 2 जाए 16। तो ये आ गया 16.8 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस हो जाएगा पेंडुलम का, जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 16.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना ही था इस क्वेश्चन में, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।